ट्वेंटी एड्रेस सॉरी सिक्सटीन एड्रेस लाइंस, इट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू सिक्सटी फोर के बी हाउ वी कैलकुलेट द एक्सेस टू रेस टू पावर सिक्सटीन कैन बी रिटर्न एज सिक्सटीन फोर के बी ठीक है सिक्सटी फोर द मेमोरी साइज जिसको प्रोसेसर एक्सेस प्रोवाइड करेगा एड्रेस लाइन 16 हो गई तो 2 रेज टू पावर 16 इज इक्वल टू 64 फोर के बी ठीक नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि दिस इज 40 पिन आईसी फोर्टी पिन आईसी तो अब हम इसकी वन बाय वन सारी पिन एक्सप्लेन करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ पिंस ठीक है ये आप जो देखोगे सबसे पहले वी स्टार्ट विथ वीसीसी वीसीसी कहां पर अप्लाई हो रही है एट फोर्टी तो वीसीसी की वैल्यू जो होगी इन केस ऑफ एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर वीसीसी वैल्यू इज फिक्स एट प्लस फाइव बोल्ट ठीक है वीसीसी पर हम प्लस फाइव बोल्ट की फिक्स पावर सप्लाई देते हैं एंड वी आपका क्या होगा वीएसएस आपका पिन नंबर ट्वेंटी वीएसएस इज कनेक्टेड विथ ग्राउंड ठीक है आपकी आईसी को ऑन करने के लिए सप्लाई बीसी पर अप्लाई हुई प्लस फाइव बोर्ड और ग्राउंड कहाँ दिया हमने पिट नंबर ट्वेंटी पर ठीक नाउ ये आपका जो है पिन नंबर ट्वेल्व टू ट्वेंट नाइनटीन पिन नंबर ट्वेल्व टू नाइनटीन यू कैन सी की एडी नोट टू एडी सेवन है एडी नोट टू एडी सेवन दीज आर द मल्टीप्लेक्सड एड्रेस एंड डेटा लाइन एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन ठीक है एडी नोट टू एडी सेवन ठीक है ये आपकी मल्टीप्लेक्स एड्रेस लाइन होगी और ये आपका क्या करती है एल एस बी साइड या लोअर बाइट ऑफ एड्रेस को लोअर बाइट ऑफ एड्रेस को कैरी करती है ठीक है दिस लाइन कैन बी यूज एज एड्रेस लाइन और डेटा लाइन जब ये एड्रेस कैरी करेगी तो ये लोअर बाइट ऑफ एड्रेस को कैरी करेगी और जब ये एज अ डेटा यूज करेगी डेटा लाइन यूज होगी तो ये डेटा को और इंस्ट्रक्शंस के कोड को कैरी करेगी ठीक है मींस की इंस्ट्रक्शन का जो मशीन कोड होता है वो आपका किसके थ्रू ट्रांसफर होता है थ्रू डेटा लाइन ठीक है तो दीज आर द मल्टीप्लेक्स लाइन जिसको हम डी मल्टीप्लेक्सड करते हैं बाई यूजिंग ए एलई 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 द एड्रेस लैच इनेबल ठीक है इनेबल इफ ए एलई इज इक्वल टू वन तो ए डी सेवन टू ए डी नॉट वर्क एज अ एड्रेस लाइन ए सेवन टू ए नॉट ठीक है ए नॉट इज द एल एस बी बिट ठीक और वेन ए एल ई इज इक्वल टू जीरो दिस पोर्शन वर्क एज अ डेटा लाइन जो कि डेटा बाइट को कैरी करेगा डी सेवन टू डी नॉट ठीक है तो अभी हमारी कौन कौन सी पिन क्लियर हो गई पिन नंबर वन डन ठीक है अब address की बात कर रहे हैं तो यू कैन सी कि पिन नंबर ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी एट अगेन एड्रेस लाइंस हैं और ये किसी के साथ मल्टीप्लेक्स नहीं है ठीक है मल्टीप्लेक्स नहीं है ये जो एड्रेस लाइंस होती हैं मींस की ए फिफ्टीन मैंने इधर लिखा बिकॉज आपकी जो वेटेज है इसकी हाइएस्ट होगी एमएसबी साइड और ए एट मीन्स की ये जो लाइन्स होती है दीज लाइन्स कैरी द हायर बाइट ऑफ एड्रेस ठीक है ये आपकी क्या कैरी करती है एड्रेस की हायर बाइट को डन तो हमारी पिन नंबर टू डन नाउ स्टार्ट एंड एंड आपके बेसिकली और X2, पिन नंबर पर कनेक्टेड है इसके क्रॉस आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर आपका क्या करता है क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है प्रोसेसर को क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है प्रोसेसर को कितनी सिक्स मेगा हर्च की बेसिकली 8085 को जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है वो थ्री मेगा रिक्वायर्ड होती है बट जो फ्रीक्वेंसी जो भी ऑसिलेटर जनरेट करता है दैट इज इंटरनली डिवाइडेड बाय टू इंटरनली अगर वो टू से डिवाइड कर देता है और रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी थ्री मेगा है तो अगर हमें थ्री की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो जो भी ऑसिलेटर होगा वो उसकी डबल जनरेट करेगा मीन्स की एक्स वन इज कनेक्टेड विद द क्रिस्टल ऑसिलेटर क्रिस्टल ऑसलेटेड जनरेट फिक्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ सिक्स मेगा हर्ड्स नाउ पिन नंबर थ्री रीसेट आउट रीसेट आउट का मीन्स है की सीपीयू इज बींग रीसेट क्या है सीपीयू इज बींग रीसेट और दिस इज द आउट सिग्नल मीन्स की इफ एट जीरो एट फाइव सेंड रीसेट आउट सिग्नल टू कनेक्टेड डिवाइस तो वो डिवाइस आपकी क्या हो जाएगी रीसेट हो जाएगी इनिशियलाइज हो जाएगी ठीक नेक्स्ट है आपका एसओडी और एस आई डी एस डी इज द सीरियल आउटपुट डेटा ठीक है और एस आई डी इज द सीरियल इनपुट डेटा ठीक है पिन नंबर फोर पर एसओडी पिन नंबर फाइव पर एस आई डी सीरियल आउटपुट डेटा मीन्स कि जब भी आपका प्रोसेसर से डेटा ट्रांसफर होगा तो वो सीरियली ट्रांसमिट होगा वन डेटा एट अ टाइम बाय दिस पिन एस सी आई डी इज फॉर सीरियल इनपुटिंग द डेटा टू द प्रोसेसर मीन्स कि जो भी डेटा आप इन करोगे बाय दिस वन बाय वन डेटा हमारा इन होगा तो, पिन नंबर सिक्स पिन नंबर सिक्स ट्रैप पिन नंबर सेवन आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव आर एस टी सिक्स फाइव आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव और आई एन टी आर दीज फाइव आर द इंटरस्ट कितने इंटरस्ट हो गए ट्रैप हो गया आर एस टी आर एस टी स्टैंड फॉर री स्टार्ट री स्टार्ट री स्टार्ट करेगा प्रोग्राम पर्टिकुलर लोकेशन से ठीक है ट्रैप RST .5, .5 and 5 .5 and is the जो भी हमारा एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल सिग्नल रिसीव्ड होंगे बाई एट दिस पिंस ठीक है तो जो आपका ट्रैप होता है दिस इज मास्केबल इंटरप्ट क्या रखना है याद आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव एंड आई एन टी आर इज द मास्केबल इंटरप्ट बहुत डिटेल में मैं इसको डिस्कस करूंगी इन द वीडियो लेक्चर ऑफ इंटरप्ट ठीक है अभी सिर्फ आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास फाइव इंटरप्ट है ट्रैप आरएसटी सेवन पॉइंट फाइव आरएस टी सिक्स पॉइंट फाइव आरएसटी फाइव पॉइंट फाइव और आई एन टी आर जब भी इस पर रिक्वेस्ट आएगी आपका जो प्रोसेसर है वो एक स्पेसिफिक फैक्टर एड्रेस से स्टार्ट कर देगा एग्जीक्यूशन को ठीक है और ट्रैप इज द नॉन मास्क रिमेनिंग ऑल आर मास्क ठीक है एंड हाइएस्ट प्योरिटी आपको कैसे रखनी है जैसे इनकी पेन नंबरिंग है ट्रैप सबसे ऊपर है मींस की हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है ट्रैप की उसके बाद 7.5, 6.5, 5.5 देन आईएनटीआर की प्रायोरिटी का मींस है कि अगर एक साथ कई सिग्नल रिसीव होते हैं सपोज ट्रैप पर भी 6.5 पर 5.5 सारे हाई होते हैं तो जिसके प्रायोरिटी हाई होगी उसको पहले एक्सेस प्रोवाइड करेगा प्रोसेसर क्लियर नेक्स्ट इज द आई एन टी ए बार आई एन टी ए बार इज द इंटरप्ट एकजमेंट क्या याद रखना है आई एन टी ए बार इज द इंटरप्ट एकजमेंट इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट प्रोसेसर जो है जब भी इंटरप्ट को रिसीव करेगा थ्रू आई एन टी आर एंट्रप्ट रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा तो उसके रिस्पॉन्स में वो एक्नोलेजमेंट सेंड करेगा थ्रू आई एन टी ए बार

होल्ड का फंक्शन क्या होता है होल्ड इंडिकेट करता है कि एनी पेरिफेरल डिवाइस कोई एक पेरिफेरल डिवाइस है लाइक like डीएमए वो रिक्वेस्ट करता है फॉर कंट्रोलिंग द एड्रेस एंड डेटा बस मीन्स की अगर कोई पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बस एंड डेटा बस को यूज करना चाहता है तो वो थ्रू दिस पिन सेंड द रिक्वेस्ट टू माइक्रो प्रोसेसर ठीक है वो माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट सेंड करता है थ्रू एच ओ एल डी ए इफ माइक्रो प्रोसेसर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है ग्रांट करता है तो वो उसको एक्नोलेजमेंट सेंड करता है थ्रू एच एल डी ए तो एच एल डी एज बेसिकली होल्ड एक्नोलेजमेंट दिस सिग्नल एक्नोलेज द होल्ड रिसीव रिक्वेस्ट होल्ड रिक्वेस्ट मीन्स कि उसने होल्ड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अपनी बसेस को रिलीज किया फॉर यूजिंग अदर पेरिफेरल डिवाइसेस ठीक है नेक्स्ट पिन नंबर थर्टी सिक्स इज कनेक्टेड विद द रीसेट इन आप यहाँ पे देखोगे रीसेट इन के ऊपर बार है मीन्स की दिस इज द एक्टिव लो सिग्नल एक्टिव लो का मीन्स क्या है जब भी इस पर वैल्यू जीरो होगी मीन्स की ये इसका फंक्शन परफॉर्म करेगी ठीक मीन्स की इफ रीसेट इन बार इज इक्वल टू जीरो जब भी इस पिन पर जीरो होगा मीन्स की आपका प्रोसेसर का जो प्रोग्राम काउंटर होगा प्रोग्राम काउंटर विल बी इक्वल टू जीरो 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 मीन्स की प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगी मीन्स की प्रोसेसर स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू पीसी बेसिकली क्या करता है प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन बट अगर हमने प्रोसेसर को ही रीसेट कर दिया तो प्रोसेसर स्टार्ट एक्जीक्यूशन फ्रॉम द इनिशियल लोकेशन और इनिशियल नंबर थर्टी फाइव पिन नंबर थर्टी फाइव इज कनेक्टेड विद द रेडी सिग्नल रेडी सिग्नल इज बेसिकली सेंड द देरीफेरल डिवाइसिस और इसका मतलब क्या होता है इफ रेडी सिग्नल इज रेडी सिग्नल इज यूज टू डिले द रीड और राइट साइकिल ऑफ प्रोसेसर ठीक है वेन रेडी इज इक्वल टू रेडी इज इक्वल टू जीरो इन दैट केस प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर गो इन वेट स्टेट वेट स्टेट में क्यों जाएगा बिकॉज आपका जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड जो होती है फास्टर होती है इन कंपेरिजन टू पेरीफेरल डिवाइसेज जब तक आपका पेरीफेरल डिवाइसेज उसकी स्पीड को मैच नहीं करता है तब तक वो उसको हाई सिग्नल नहीं सेंड करता है वेन सो दैट वेन प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइसेस आर रेडी टू ट्रांसमिट द डेटा मींस कि जब स्पीड मैच हो जाती है देन रेडी सिग्नल गोज जीरो टू वन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन पेरिफेरल एंड माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट ठीक है मीन्स की बेसिकली रेडी इज यूज टू डिले द प्रोसेसर ठीक है वेन रेडी इज इक्वल टू जीरो पेरीफेरल नॉट ट्रांसमिटेड द डेटा और आपका जो प्रोसेसर है वो फ्यू क्लॉक पल्सेस के लिए वेट स्टेट में जाएगा व्हेन रेडी सिग्नल प्रोसेसर स्टार्ट ट्रांसफरिंग ट्रांसफरिंग और रिसीविंग ठीक है नेक्स्ट आईओ एंड मेमोरी बार ठीक है आपका जो प्रोसेसर होता है वो आपका डेटा या कम्युनिकेशन कर सकता है बिटवीन पेरीफेरल डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी ठीक है वेन आईओ मेमोरी बार इज इक्वल टू वन आपका प्रोसेसर विल कनेक्ट विथ आयो डिवाइस आयो डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा ठीक है वेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो तो आपका ये डिवाइस किससे कनेक्ट होगा विथ मेमोरी ठीक है जब वो वन होगा तो इस पे ऑपरेशन होगा आईओ रीड और आयो राइट मीन्स की इनपुट आउटपुट राइट और इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन होंगे वेन मेमोरी इज सेलेक्टेड तो आपका होगा एम ई एम आर बार मेमोरी राइट और सॉरी मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशन ठीक तो आपने सिर्फ इतना बताना है इफ आईओ एम बार इज इक्वल टू वन मीन्स की माइक्रो प्रोसेसर इज कनेक्टेड विद द आईओ डिवाइसेस वेन आईओ एम बार इज इक्वल टू जीरो मीन्स माइक्रो प्रोसेसर इज कनेक्टेड विथ मेमोरी नेक्स्ट पिन है हमारी एस वन थर्टी थ्री पर एस वन है बट एस वन इज कम्बाइंड विथ एस नॉट एस वन एंड एस नॉट इज द स्टेटस सिग्नल ये आपके आउटपुट सिग्नल है एस वन एंड एस नॉट इज सेंड बाई द माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोप्रोसेसर शो करता है थ्रू दीज सिग्नल्स की वो रीड ऑपरेशन करेगा राइट करेगा हॉल्ट होगा या फैच करेगा ये आपके किससे डिसाइड होते हैं बाई एस वन और एस नॉट इनके स्टेटस कोड में बता देती हूं कैसे इनकी वैल्यूज डिफाइन होती है स्टेटस कोड यहां हम लेते हैं एस वन एस नोड और यहां पर ऑपरेशन ठीक है ठीक अब आपके टू बिट्स है मीन्स की फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ठीक अगर जीरो जीरो है तो आपका हॉल्ट ऑपरेशन होगा मींस कि आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा इफ जीरो वन होगा तो आयो या मेमोरी पर राइट ऑपरेशन होगा वन जीरो होगा देन आपका रीड ऑपरेशन होगा और वन वन है तो आपका ऑपकोड आप जो भी मशीन कोड या ऑपरेशन कोड है उसको वो Fetch करेगा ठीक है तो वट इज द वर्किंग ऑफ एस वन और एस नॉट एस वन और नॉट के थ्रू प्रोसेसर बताता है कि विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड क्या स्टेटस क्या है ठीक है ये शो करता है नाउ रीड बार रीड बार आपका क्या होता है रीड बार आपका एक एक्टिव लो सिग्नल है बार मेंशन है मीन्स की दिस इज एक्टिव लो सिग्नल ये आउटपुट है जब भी ये मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर रीड करना चाहता है ठीक है उस केस में आपकी रीड बार की वैल्यू जीरो होगी राइट बार वेन माइक्रो प्रोसेसर वॉन्ट टू राइट द डेटा ऑन मेमोरी और आयो डिज तो राइट बार इज इक्वल टू जीरो रिमेम्बर आइडर आपका राइट बार एक्टिव होगा या आपका रीड बार से बोथ एक्टिव नहीं होंगे एट अ टाइम एक ही आपका एक्टिव होगा आइडर रीड ऑपरेशन विल बी परफॉर्म और राइट ऑपरेशन विल बी नाउ मैं इसी पिन डायग्राम को और एक्सप्लेन कर सकती हूँ यू कैन रन दिस डायग्राम और दिस डायग्राम बोथ और एनी वन डायग्राम तो तो आप इजिली बना सकते हो बिकॉज यहाँ पर आपके जो सिग्नल्स है यहाँ पे सिग्नल्स की डायरेक्शन शो नहीं थी यहाँ पे सिग्नल्स की डायरेक्शन शो है तो टाइम्स आपसे पूछता है राइट डाउन द सिग्नल्स ऑफ एट जीरो एट फाइव तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर पिन डायग्राम प्रिफरली आप ये बनाना ठीक है बट अब मैं दोनों को को रिलेट कर देती हूँ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया एक्स वन एक्स टू इज कनेक्टेड विद द क्रिस्टल ऑसेलेटर तो दिस इज द क्रिस्टल ऑसेलेटर दो की आपके सिक्स मेगा हर्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा वीसीसी पिन नंबर फोर्टी से कनेक्टेड है प्लस फाइव बोल्ट वी एस एस आपके पिन नंबर ट्वेंटी से कनेक्टेड है ग्राउंड ठीक है एस आई डी इज द सीरियल इनपुट डेटा मैंने पहले ही बताया था इन है इन मीन्स की डायरेक्शन सिग्नल की क्या होगी इनवर्ट टू माइक्रोप्रोसेसर ठीक है एसओडी सीरियल आउटपुट डेटा आउटपुट है मीन्स की माइक्रोपोसे टू आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा आउटसाइड की तरफ है बोथ पिन आर यूज फॉर सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट ठीक है ठीक नेक्स्ट दीज आर द ट्रैप ट्रैप जो थे हमेशा एक्सटर्नल डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस आपको सिग्नल को इंटरप्ट करना चाहती है माइक्रोप्रोसेसर को मींस की दीज आर द एक्सटर्नली जनरेटेड सिग्नल्स ठीक है ट्रैप आरएसटी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव सबके डायरेक्शन अंदर की तरफ है ठीक नाउ रेडी इज ऑल्सो एक्सटर्नली जनरेटेड सिग्नल क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब भी पेरीफेरल डिवाइसेज को स्पीड को मैच करना होता है स्लो करना होता है प्रोसेसर को तो वो सिग्नल सेंड करती है ठीक है तो दिस इज इंटरनल बाहर से आएगी अंदर की तरफ प्रोसेसर को आएगी ठीक होल्ड अगेन दिस इज रिक्वेस्टिंग सिग्नल बाई पेरीफेरल टू यूज माइक्रोप्रोसेसर बसेस तो ये आपकी इनवर्ड होगी इनवर्ड डायरेक्शन में ठीक फिर रिसेट इन रीसेट इन क्या है जब भी आपको प्रोसेसर को रिसेट करना है इनिशियलाइज करना है तो आप रिसेट सिग्नल सेंड करते हैं तो दीज ऑल आर एक्सटर्नली जनरेटेड सिग्नल इनके डायरेक्शन आपकी अंदर की तरफ है ठीक अब आई एन टी ए बार इज द एक्नोलॉजमेंट ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट फॉर दिस तो माइक्रो प्रोसेसर से बाहर को जाता है आउटसाइड हो गया, और एच एल डी एच एल डी इज द एक्स सिग्नल फॉर होल्ड तो ये भी आउटसाइड होगा तो दिस द की तरफ जा रहे हैं एक्नोल के लिए ठीक ऑलरेडी डिस्कस है ए ए टू ए फिफ्टीन दीज आर हायर ऑर्डर एड्रेस बस है सपोज अगर आपका टू जीरो जीरो फाइव दिस इज दिक्कस बिट एड्रेस इन हेक्सा डेमल ठीक है तो दिस इज द हायर ऑर्डर तो ये जो हायर ऑर्डर का एड्रेस है टू जीरो वो इस पोर्शन के थ्रू कैरी होगा ठीक है इन एडी सेवन ए डी नॉट इज द मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइन इसको हम एज अ एड्रेस एज वेल एज डेटा यूज कर सकते हैं जब हमें इसे एड्रेस यूज करेंगे तो ये लोअर बाइट को कैरी करेगा या लोअर ऑर्डर को मीन्स की ये जीरो फाइव को कैरी करेगा ठीक है जब ये डेटा लाइन की तरह वर्क करेगा तो ये डेटा कैरी करेगा ठीक है अब ये मल्टी अब ये आपके थे क्या कंट्रोल सिग्नल्स ए एल ई क्यों था कि वो किसको कंट्रोल करता है इसको अगर ए एल ई की वैल्यू वन होती है तो दीज लाइन्स यूज एज अ एड्रेस लाइन अगर जीरो होती है तो दीज लाइन्स वर्क एज अ डेटा लाइन एस एसनोड और एस वन ऑपरेशन डिसाइड करते हैं जो ऑलरेडी आई हैव कि हॉल्ट होना है राइट रीड या फैच होना है दैट इज डिसाइडेड बाई द एस एसनोड एंड एस वन ठीक है अब आयो मेमोरी बार इज अगेन कंट्रोल सिग्नल बिकॉज ये डिसाइड करता है कि हमें जो इंटरफेसिंग करनी है वो आयो डिवाइस के साथ करनी है और मेमोरी के साथ करनी है ठीक अब हमें रीड करना है ऑपरेशन या राइट करना है तो दीज आर द कंट्रोल सिग्नल अगर अगर हमारी रीड बार की वैल्यू जीरो है तो ऑब्वियस वी वांट टू रीड और इफ या वी नहीं प्रोसेसर वांट टू रीड इफ राइट बार इज इक्वल टू जीरो तो प्रोसेसर वांट टू राइट ठीक है तो डिपेंड्स कि आपका प्रोसेसर क्या करना चाहता है और किसके साथ कनेक्ट होना चाहता है तो ये आपकी जो लाइन्स है बेसिकली दीज आर द कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स जो बताती है कि आपका प्रोसेसर क्या करना चाहता है thank you so much if you have any doubt please write down in comment section if you like the video please like subscribe my channels thank you